प्रेज द लॉर्ड रहोबोध, प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम चर्च में हमारे भवन में मिल रहे हैं, इस बात की खुशी है। लेकिन हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, हमने लोगों को नहीं बुलाया है, और बहुत बढ़िया बात है। और धीरे धीरे हम लोगों को भी बुलाएंगे और साथ मिलेंगे। आए हम प्रार्थना करें। शुरुआत के पहले प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। धन्यवाद देते तू जिंदा परमेश्वर है, धन्यवाद तू हमारे साथ हमारे घरों में है। प्रभु पिता, पिछले 3 महीनों में तूने हमें सुरक्षित रखा, हमें खाने को खाना दिया परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तू हमारा अच्छा चरवाहा बना, हमारा चमत्कार करने वाला परमेश्वर बना, हमारा सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर बना, हमारा ज़रूरतें पूरे करने वाला परमेश्वर बना। इसलिए हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे असीम प्रेम के लिए और तेरी प्रकट उपस्थिति के लिए जो हर समय हमारे साथ रही, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। आज सुबह परमेश्वर फिर से एक बार अपने घरों में बैठ के हम तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। हम सब पर अनुग्रह कर, तेरी प्रकट उपस्थिति का अनुभव हम हर एक जन अपने घरों में महसूस करें, आराधना में वचन के द्वारा तू हमसे बात कर, हमें प्रोत्साहित कर, हमें तगड़ा बना, और आने वाले दिनों के लिए तेरी कलीसिया को, तेरे विश्वासी लोगों को तैयार कर। प्रभु इस समय हर बात के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। मैं भजन संहिता 100 पढ़ रहा हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चारागाह की भेड़े हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसे धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। एक वाक्य कहता है यहाँ पे कि हम उसी के हैं, आमेन। और ये हमारे लिए बड़े धन्यता की बात है, ये बड़े आशीष की बात है कि हम किसी और के नहीं, दुनिया के नहीं, अपने आप के भी नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया चर्च, हम परमेश्वर के खास चुने हुए, अभिषेक किए हुए लोग हैं। आप हैं, मैं हूँ, सारे विश्वासी भाई बहन सारी दुनिया में जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप प्रभु के हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, अभिषिक्त दास है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। हम प्रभु की आराधना करें समय। तेरा नाम है महा, तेरी स्तुति मैं गाऊं, तेरा नाम है महान, तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, तेरी स्तुति मैं गा, नाम है महान, तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम,
तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। रमा बलांदे खेरिया नाम तो खोरो मांदे रियांता कला मामांदे राबासे तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए है हम पावन, ओ हो तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए है हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, ओ हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन,
तेरे नाम के जैसा और कोई नाम नहीं यीशु। ऊंचा नाम, पवित्र नाम। आसमां के नीचे आसमां के नीचे और इस धरती पर सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे, आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर सबसे यीशु तेरा नाम। अब से ऊंचा है यीशु तेरा नाम। दुख और दर्द मिटा देता है यीशु तेरा, यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है हमको यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है हमको यीशु तेरा नाम। यस यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम। शांति और मुक्ति देता है यीशु तेरा नाम। शांति और मुक्ति देता है यीशु तेरा, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। स्वर्ग ले जाएगा हमको यीशु तेरा, स्वर्ग ले जाएगा हमको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आमीन। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबां कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। वो प्रभु है। Come on, church. वो मुर्दों से जी उठा, वो प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबां कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। हर एक घुटना प्रभु है, वो प्रभु है, वो मुर्दों से जी उठा, वो प्रभु है। आमीन। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबां कबूल करेगी कि ये यीशु मसीह प्रभु है। वो प्रभु है, यीशु प्रभु है। हर बात पर, हर बीमारी, हर तकलीफ, हर कमी घटी पर, हर शैतानी ताकतों पर, हर शैतानी विरोधी ताकतों पर, ओ इस पैंडेमिक पर, इस महामारी पर, वो प्रभु है। आपकी हर परिस्थिति, हर जरूरत, यीशु प्रभु है। और इस समय प्रभु, हम यीशु तेरी प्रभुता, हर परिस्थिति, हर बीमारी, हर डर, हर दुष्ट की ताकत, हर कमी घटी पर तेरी प्रभुता कहते हैं यीशु के नाम। बीमारी स्वस्थ हो, कमी घटी पूरी की जाए यीशु मसीह के नाम। उर्रमबाला रास्ता, हर शैतानी ताकत और बंधन, हर रुकावट, हर महामारी का असर यीशु मसीह के नाम बांध देते हैं, धुतकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रोक देते हैं यीशु के नाम में। रमा बाला रीसा, क्योंकि यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, ऐलान करते हैं हर परिस्थिति पर। और रमा केंदेरे लबा मान तेरे, हर अशांति पर, हर तकलीफ पर, केरमाला बरों दलो रियामारा से, प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी चंगाई को रिलीज करते हैं, स्वतंत्र करते हैं हर एक की जिंदगी में, हर एक के जीवन में, क्योंकि तू प्रभु है। हर कमी घटी पूरी की जाए, हमारा हर बीमारी का असर यीशु के नाम में टूट जाए। से करेंदे, हर शैतानी हमले को यीशु के नाम में रोक दे, उसे बेअसर कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रोक देते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु प्रभु है, क्योंकि यीशु मरा और मुर्दों से फिर जी उठा, और आज वो स्वर्ग में है। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं सारे संसार का, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और वो अधिकार वो अपने दासों को दिया है, इसलिए यीशु के दास होने के नाते, उसे अभिषेक और उसके चुने हुए के नाते, यीशु के नाम में हम भरभराटी, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, चंगाई कहते हैं यीशु के नाम। ओ रिया बला बरा बरो रबासे केरे, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो मुर्दों से जी उठ
उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। Come on church, अधिकार ले, क्योंकि अधिकार आपको यीशु ने दिया है। आपकी हर जो भी कमी घटी और परिस्थिति हो, अधिकार लीजिए और यीशु के नाम में उसे धमकाए। यीशु ने कहा, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को धमकाओगे और वो भाग जाएंगे। बीमारों पे हाथ रख के प्रार्थना करो, बीमार चंगे हो जाए। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु प्रभु है। हालेलुया, यीशु प्रभु है, सारी सृष्टि का प्रभु है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और उसके लोग, उसके विश्वासी, उसके चुने हुए, उसके अभिषिक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। विश्वास करो इस समय, प्रभु यीशु प्रभु है, इस बात पर विश्वास करो। हम उसके लोग हैं, जैसे हमने भजन संहिता 100 में पढ़ा, हम उसके लोग हैं, हम उसके चरागाह की भेड़े हैं, हम उसके चुने हुए हैं, अभिषिक्त हैं। इसके लिए उसके, हमारे लिए और प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आए और आखिरी बार गाते हैं, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो मुर्दों से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि ये मसीह प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आप पर अनुग्रह करे, प्रभु आपको सुरक्षित रखे, प्रभु आप पर चंगाई का वरदान दे। इस समय हर बीमार, हर कमजोर शरीर में यीशु की चंगाई, छुटकारा, आशीष, हड्डियों में नई जान, खून में नया ताकत। प्रभु तेरे लोगों पर बरकत कर, आशीष कर, कृपा दृष्टि कर, अनुग्रह कर, उनकी सुधि ले, उनके प्रार्थनाओं का जवाब दे प्रभु जी, और अपनी महिमा हर एक के जीवन में होने दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रहबोध, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। इस समय हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। हर घर में तेरी प्रकट उपस्थिति हो। इस समय तेरा वचन का प्रचार तेरे हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह कर, लता पर तेरा अभिषेक हो, उसका इस्तेमाल कर तेरे लोगों को आशीष देने के लिए, तगड़ा बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, तुझमें मजबूत करने के लिए। क्योंकि तेरा वचन दुधारी तलवार की तरह है, वो हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमारे सीखने के लिए, हमारे अनुशासन के लिए दिया गया है। प्रभु जी अनुग्रह कर, लता का इस्तेमाल कर तेरे लोगों को आशीष देने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। रहोबोत बहुत ही जल्द लता आएगी आपके सामने। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो रहोबोत, आप कैसे हैं? आशा है कि प्रभु यीशु में आप सब ठीक है। और फिर से एक बार आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और परमेश्वर में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। आप अच्छी तरह से सुनिए और उस पर मनन करने के लिए सोचिए। धन्यवाद यीशु। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो। बोलने के लिए मुझे सामर्थ्य दे, सुपरनैचुरल पावर दे परमेश्वर, और सुनने वाले के लिए, सुनने के लिए तू परमेश्वर ऐसे कान दे परमेश्वर कि वो ग्रहण करे यीशु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर तेरी हाजिरी होती है यीशु।
और इस वक्त तू यहाँ पर है और हमारे साथ है यीशु। धन्यवाद तेरे नाम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे कृपा के लिए तूने हमें संभाल कर रखा है इसलिए परमेश्वर, और धन्यवाद तूने हमें तेरे राज के साथ जुड़ा कर रखा है, तेरे राज के साथ हम कनेक्ट है परमेश्वर। ऐसे दिनों में भी परमेश्वर, महामारी के दिनों में भी हम तुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, आमेन आमेन। आज जो मैं ये बताने वाली हूँ ये मैंने 2020 जनवरी 2020 में लिखा था, लेकिन नहीं आया, वो बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये मैंने ऐसे रख दिया था कि अभी नहीं, अभी अगले साल देखेंगे, क्योंकि ये विजन के बारे में है। लेकिन इन दिनों में जैसे मैं वो मेरा बुक देख रही थी और जैसे हालत बाहर दुनिया में जो चालू है और इसके बाद जो दिन आएंगे उसके लिए हमारे जीवन में नई तरीके से विजन होना, लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लक्ष्य आने वाले दिनों में हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए मैं इन दिनों मैं यहाँ पर आपको विजन के बारे में बताना चाहती हूँ। हम नहमाया 1 पढ़ेंगे। एक से चालू करती हूँ मैं। ऐसा हुआ कि 20वें वर्ष के किसलेव महीने में मैं सुशन नाम राजधानी में था, तब हनानी जो मेरे भाइयों में से एक था तथा अन्य कुछ लोग यहूदा से आए और मैंने उनसे उन बचे हुए बंधुआई से छूटे हुए यहूदियों और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूट कर उस प्रांत में रहते हैं वे महाक्लेश और निंदा सहन करते हैं। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है और उसके नगर द्वार आग से जला दिए गए हैं। ऐसा हुआ कि इन बातों को सुनते ही मैं यानी नहमाया बैठकर रोने लगा और कई दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करता रहा। और मैंने कहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग परमेश्वर, तू जो परमे अपने प्रेम रखने और आज्ञा पालन करने वालों के लिए अपनी वाचा पूरी करता और उन पर अनुग्रह करता है, करुणा करता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मेरे कान अब ध्यान दे और मेरी आँखें खुली रहे कि मैं तेरा दास जो प्रार्थना इस समय तेरे सम्मुख तेरे दास इज़राइलों के लिए दिन और रात करता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के उन पापों का जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं अंगीकार करता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे विरुद्ध बहुत ही अधर्म का व्यवहार किया है कि उन आज्ञाओं विधियों और नियमों का पालन नहीं किया। उनकी आज्ञा तूने अपने दास मूसा को दी थी, उस वचन को स्मरण कर जिसकी आज्ञा तूने अपने दास मूसा को दी थी। यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम में से तितर बितर किए हुए लोगों को आकाश के छोर से भी इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचा दूंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुना है। वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनकी तूने अपने महान सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू अपने दास की ओर तथा अपने दास उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानने से आनंदित होते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और इसके प्रति उस मनुष्य के हृदय में दया उत्पन्न कर। यह नहमाया की प्रार्थना थी उस जो टूटे हुए यरूशलेम के मंदिर को बनाने के लिए। वैसे ही हम मत्ते 24 पढ़ेंगे। मत्ते 24 भी है कि मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी।
जब यीशु मंदिर से निकलकर बाहर जा रहा था तो उसके चेले मंदिर के भवन को दिखाने उसके पास आए। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? क्या तुमने तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी न रहेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होगी, तब तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा? इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, देखो भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण समस्त जातियाँ तुमसे घृणा करेगी। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे से रहेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, और तब अंत आ जाएगा। आमेन, आमेन। देखो, लास्ट मैंने जब भी गए महीने में प्रचार किया था, 10 तारीख को मैंने कहा था कि अपने आप को तैयार करो, इन दिनों में एक सैनिक की तरह, एक सोल्जर की तरह तैयार करो। और तैयारी में हमारे पास एक काम होना, एक लक्ष्य होना, एक विजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास विजन नहीं है तो हम तैयारी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम काम पे जाते हैं तो ही उठ के काम पे जाएंगे, नहीं तो अगर कुछ नहीं है तो ऐसे ही खाली रहेंगे। और नहमाया के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। नहमाया ने क्या किया है कि ये जो परमेश्वर का यरूशलेम में मंदिर टूटा हुआ था, उसके बनाने के लिए वो परमेश्वर के सामने जाकर अपने राजा से छुट्टी लेकर परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर ये मेरा बोझ तू ले और ये मंदिर मुझे फिर से बनाना है। ये एक नहमाया का बोझ है। दूसरी तरफ जो मैंने मत्ते 24 पढ़ा, ये भी कलीसिया के बारे में है, लेकिन ये कलीसिया कौन है? हम है, हम परमेश्वर का मंदिर है। और जैसे कि 24:12 में कहा है कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम, बहुतों का प्यार परमेश्वर के ऊपर से ठंडा पड़ जाएगा। तो हमारा प्यार ठंडा नहीं पड़ने के लिए हमारे पास एक विजन होना, एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम क्रिश्चियन, हम परमेश्वर ने हमें चुना है, उद्धार दिया है, वो उद्धार को हमने ऐसे ही लेकर बैठना नहीं है। नहमाया ने खास उसके लिए छुट्टी मांगकर प्रार्थना की और अपने परमेश्वर के पास एक लक्ष्य मांगा, एक विजन मांगा। हाँ, तो ये हक भी जानना है। और ये विजन जानने के बाद नहमाया 6:15 में पढ़ेंगे आप कि वो 52 डेज में, यानी 52 दिनों में वो मंदिर बनाने का काम पूरा करता है। आमीन। इसलिए हमारे जीवन को बढ़ने के लिए हर एक के जीवन में लक्ष्य का होना, विजन का होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। ये विजन कैसा होता है? जो 10वीं में हम सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, 12वीं में सोचते हैं, ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं, ये वो विजन नहीं है। क्योंकि 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन का विजन क्या होता है, वो हमारे परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होता है। परसेंटेज कम आए, विजन चेंज।
ज़्यादा आए विजन चेंज, ये विजन ऐसा नहीं होता। कोई कोई डिग्री कोर्स करते हैं, डिग्री कोर्स करते करते लड़के को लड़की मिली या लड़की को लड़का मिला, विजन चेंज। हमारा ये विजन ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे यह कहना है कि हमारा विजन ऐसा होना चाहिए कि परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन जो विजन हमें परमेश्वर देता है वो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका विजन देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। वो इसलिए कि आपके जीवन का इस्तेमाल करना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए हमें विजन होना ज़रूरी है। आपके विजन से, विजन रखने से आपके जीवन को एक उद्देश्य मिलता है, और ज़रूरी है उद्देश्य रहना। इसलिए हर एक को लक्ष्य विजन होना बहुत ज़रूरी है। आपको परमेश्वर ने बनाया है, और हमारे पास हमारा खुद का एक ये मैनुअल है। हाँ, जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदी करते हैं, मोबाइल खरीदी करते हैं तो मोबाइल का एक मैनुअल आता है, कैसे करने का है, क्या करने का है। कार खरीदी करते हैं, मिक्सर खरीदी करते हैं, फ्रिज खरीदी करते हैं, तो एक मैनुअल आता है कि उसमें पढ़कर हम वो कैसे चलाते हैं, वो हमें सिखाता है। उसी तरह ये बाइबल है, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो हमारे लिए मैनुअल का काम करता है। आमीन। विजन जो बेस्ट है वो आपको बता देगा, जो आपके जीवन को चलाएगा, और इसमें से परमेश्वर आपको विजन देगा, आपसे बातें करेगा और आपके रुके हुए जीवन को चलाएगा परमेश्वर के राज्य में। एक व्यक्ति जो विजन, एक व्यक्ति व्यक्ति का जो विजन होता है, वैसे ही दूसरे व्यक्ति का विजन नहीं होता है। हाँ, हर एक का अलग विजन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं सारे दुनिया में, सारे लोग अलग है। मालूम है, रेशन के दुकान में अंगूठा लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि सारे अलग अलग आते हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो इस तरह का परमेश्वर है, वहाँ पे कुछ भी उसने सारी दुनिया में कोई भी, देखो आँख का जो रेटिना लेते हैं वो अलग है, एक शरीर का कुछ भी नहीं है, फिंगरप्रिंट्स अलग है, आई शैडो का अलग है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ओरिजिनल परमेश्वर है। हाँ, उससे कोई जो सर्टिफाई कॉफ़ी करते हैं ना, उस पर साइन लगती है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारा विजन भी परमेश्वर के राज में ओरिजिनल विजन होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, परिस्थिति जैसे भी है। नेहमा के पास एक विजन था, और वो विजन ऐसा था तो जो उसको हासिल ही करना था, इसलिए वो परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाता भी नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करके उसके अंदर, आगे दो में, नहमाया दो में अगर आप पढ़ेंगे कि वो कहता है कि मैंने ये बात जो मेरे अंदर परमेश्वर के मंदिर के लिए खा रही थी, वो बात मैंने गुप्त रखी और मैं परमेश्वर के चरणों के पास गया, और ऐसा हुआ कि राजा को मेरा चेहरा देखकर ही पता चला कि इसके मन में कुछ बात है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी चाहत उस विजन के लिए बहुत थी। ये विजन रखने के लिए एक लीडरशिप यानी नेतृत्व, अगुवाई करना बहुत ज़रूरी है। ये लीडरशिप, एक गुड लीडरशिप होती है, वो अपने सारे कामों से, अपने जो भी योजना से कनेक्ट रहती है, यानी जुड़ी हुई होती है। अभी ये लीडरशिप ऐसा नहीं है कि हम जो MLA होते हैं या कोई कंपनी का बॉस होता है, ऐसे लीडरशिप के बारे में नहीं बात करती है मैं। ये लीडरशिप मैं ये करती हूँ कि ये हमारे खुद के जीवन के लिए लीडरशिप, हमें अपने खुद के जीवन को लीड करती है, अगुवाई करती है, और हमारे खुद को, खुद के विजन को, हमारे जो भी योजना को बढ़ाती है। मैं आज किसी लीडर के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप, आपके जीवन के लिए एक विजन रखना है और उस विजन को लीड करना है, और ये लीड करने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत है, वो आप खुद है। आमीन। आप खुद आपके जीवन को चला सकते हैं विजन रखते हुए, और उस विजन को बढ़ाने के लिए आपको खुद को लीड करना बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी अगर
आदमी या औरत के लिए अपने कंपनी में या ऑफिस में जहाँ पर आप काम करते हैं विजन होता है, पर उसके खुद के जीवन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तूफान होते हैं, परिस्थितियाँ होती है, क्योंकि उसके पास उसके खुद के जीवन के लिए विजन नहीं होता। विजन यानी लक्ष्य, लक्ष्य नहीं होता। हाँ, जैसे हम काम करते जहाँ पर भी, उसके लिए हमारे पास विजन होता है, इसलिए हम वहाँ पे जो नियम है उस कंपनी में, ये करना है, वो करना है, उसके बाद वो करना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे छूटना है, ये हम फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे खुद के जीवन के लिए हमारे पास विजन नहीं होता है, इसलिए हम बढ़ते ही नहीं है आगे। खुद के जीवन के में विजन नहीं होता है। बेस्ट लीडरशिप इज़ लीडिंग योरसेल्फ। आपको खुद को लीड करना, ये एक बेस्ट लीडरशिप है। अपनी खुद की अगुवाई करना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कैसा क्या कर रहा हूँ, मसीह ने मुझे चुना है, मैं क्या कर, मेरा दिन का जो दिनचर्या है वो मेरी कैसी है, मैं परमेश्वर के साथ कितना बैठता हूँ। आपकी खुद की अगुवाई करने के लिए भी एक लक्ष्य होना ज़रूरी है, और खुद की अगुवाई के लिए एक लक्ष्य लिखो। आपके पास एक स्वर्गीय विजन होना, स्वर्गीय लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन, एक बात हमको साफ साफ याद रखना है कि हमारा जीवन क्रॉस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें परमेश्वर के राज के साथ कनेक्ट होना, परमेश्वर के राज के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, और जुड़े रहने के लिए हमें लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। देखो, हारना यह फाइनल नहीं है। हम कुछ बात में हमने योजना बनाई है और ऐसा हुआ नहीं है तो हमें हार कर फाइनल ये नहीं है, क्योंकि दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, हम फिर से ट्राई कर सकते हैं। परमेश्वर ने नहमाया को विजन दिया तो नहमाया का देखने का नज़रिया कैसा था? नहमाया का देखने का नज़रिया पॉजिटिव था, इसलिए नहमाया ने विजन रखा, आशा रखी। भले परिस्थिति है, प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरों का देखने का नज़रिया अलग था। दूसरे लोग यह उसको बोले कि यह गड़बड़ी का काम है, परेशानी का काम है, क्या है वहाँ पे तू जाएगा वो मंदिर फिर से बनाने के लिए, वहाँ पे आजू बाजू में शत्रु है, विरोधी लोग है, ये मंदिर सारा जला हुआ है, क्या करेगा। लेकिन नहमाया ने देखा कि यह टूटी हुई दीवारें, जली हुई दीवारें फिर से बन सकती है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ये दरवाजे बन सकते हैं, ये शत्रु है, उनको प्रॉब्लम्स है, शत्रु है, परेशानी है, उसमें सलूशन परमेश्वर निकालेगा, क्योंकि उसके पास एक विजन था। यह बहुत सोचना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। जिसका विजन होता है उसके पास एक लक्ष्य होता है, उसके लिए सपना होता है, उसके लिए दर्शन होता है, कि पहले वे उसको उस काम को जो विजन होता है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में प्लान करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं और उसको पूरा होते हुए देखते हैं, पहले से ही विश्वास में। और ऐसी सोच रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम एक विजन रखते हैं किसी बात के लिए और वो कुछ हम उसके लिए नेगेटिव सोचते हैं, जाने दो, नहीं होगा, रखा था, नहीं होगा, नहीं, उसके लिए हमें पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वो हमारा काम प्रार्थना के जीवन में, आशा के जीवन में पूरा होते हुए पहले ही अपने आत्मिक नज़र से उसे देखना है। आमीन। एक स्टोरी में यहाँ बताना चाहेगी, जो डिज्नी वर्ल्ड है, सुना है आपने डिज्नी वर्ल्ड के बारे में? और वो बनाते समय जिसका ये सपना था, वो डिज्नी वर्ल्ड का काम जब भी शुरू हुआ था, आधा होने के बाद वो उसका जो मालिक होता है वो मर जाता है, लेकिन उसके जो दूसरे इंजीनियर्स है, उसके दोस्त थे, उसका भाई था, उन्होंने वो काम पूरा किया। और पूरा होने के बाद वहाँ के उसके भाई ने और किसी ने तो बताया कि शायद आज जिसका ये सपना था वो हमारे पास होता, कितना अच्छा था। लेकिन वहाँ पर उसके इंजीनियर ने उसको कहा कि रुको, ऐसा नहीं सोचो, उस आदमी ने ये उसका विजन
पूरा कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, वो कैसा रहेगा, वो कैसा चलेगा, ये उसने उसके विश्वास की आँखों से पहले उसे पता था। उसने पहले ही देखा था अपने विश्वास की आँखों से। तो आप ऐसा नहीं समझो कि ये जो काम पूरा हुआ है उसको पता नहीं है। तो इसलिए हम जो भी विजन रखते हैं, जो काम रखते हैं, उसका विजन रखने का, आशा रखने का, और वो अपने मन में आत्मिक आँखों से पूरा होने का वो दृश्य देखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा विश्वास के ऊपर होता है। हमने, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि हमारा विश्वास भी कितना है, हमारा विजन, हम पूरा होते हैं कैसा सोचना है। मैं अगर मेरा घर का फर्नीचर भी या कुछ सामान लगाने का भी करने से पहले मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, तभी वो हटाना मैं चालू करती हूँ। पहले देखना और पहले सोचना बहुत ज़रूरी होती है। तो एक स्टोरी थी, आप जो भी करते हैं और करने से पहले आप आपके विजन को देखो, विश्वास करो और विश्वास की आँखों से देखो। परमेश्वर के लोगों के पास विजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट विजन जो परमेश्वर के लोग जीते हैं उनका नाश हो जाता है। और वो नाश इस तरह होता है कि उनके जीवन में वो लोग कुछ हासिल ही नहीं कर सकते। वो करते करते करते, लेकिन उनको अगर पीछे देखेंगे तो हमने कुछ ने हमारे लिए कुछ ने रखा है, मैंने क्या किया है, मैं यहाँ तक आई हूँ, क्या मेरा काम हुआ है, मैंने मेरे बच्चों के लिए क्या किया है, मैंने चर्च के लिए क्या किया है, पड़ोसी के लिए क्या किया है, समाज के लिए क्या। अगर हम कुछ होते हुए नहीं देखता है तो हम विदाउट विजन चल रहे हैं, विदाउट लक्ष्य चल रहे हैं। इसलिए कि परमेश्वर के लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए वो नाश हो रहे हैं। और नाश क्योंकि वो लोग सक्सेस नहीं हो रहे, वो लोग निराश होते हैं और निराशा में पीछे जाते हैं। और ये शैतान यहाँ पर बहुत खुश होता है जब भी हम फलवंत नहीं होते हैं। और फलवंत इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे पास लक्ष्य नहीं है। नहमाया उसके विजन को, जैसे मैंने कहा कि जिसके पास विजन होता है वो प्लानिंग करता है, उसकी ज़रूरतें लिखता है, उसके पॉइंट लिखता है, उस तरह प्रार्थना करता है, उपवास करता है। नहमाया के पास जो विजन था इसके लिए उसकी तैयारी थी। उसने सोचा कि हाँ, मुझे जाने के लिए रास्ते में शत्रु है, मुझे राजा का लेटर चाहिए उसके थप्पे के साथ। वो लेटर लेता है, हाँ मुझे वहाँ पर लकड़ा लगेगा, जो जो चीज़ें मुझे लगेगी, स्टील रॉड ये वो, राजा से वो बुलवाता है कि मैं जिस प्रांत से जाऊँ वहाँ से जब भी मैं कुछ मांगूँ चीज़ें तो वो मुझे दे, इसलिए ये लेटर में लिखा जाए। और उस तरह उसका ये प्लानिंग था। हाँ, उसी तरह हमारे विजन के लिए प्लानिंग होना, लिखो। समझो, आज आप मूड में है, परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, अच्छा थॉट, अच्छी सोच, लिखो उसको और याद करो, परमेश्वर तूने ये मुझे कहा था और वो पूरा होते मुझे देखना है। हाँ, आपको बेड ड्रीमर ने होना है, यानी गदेले पे सोकर सपना देखना नहीं है, हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। बनी हुई बेड ड्रीमर नहीं बनो, गिरी हुई दीवार परमेश्वर बना सकता है। वो आपको बताएगा कैसे, कभी और कहाँ। कुछ भी बात है आपके जीवन में, शायद आपके भविष्य में या भूत में आपको टेंशन है, भविष्यकाल का, भूतकाल का, आप ऐसे समय से गए हैं जहाँ पे आप टूटे हैं, आपका काम नहीं हुआ है, आप निराश है, शायद आपके सपने टूटे हैं, जानबूझकर या अनजाने में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ किसी का रिश्ता ठीक नहीं है, या कुछ भी हो आपके जीवन में टूटी हुई जो दीवारें हैं, जो आपके हृदय में क्रैक्स है, छोटे छोटे दर्द है, वो परमेश्वर को बता और परमेश्वर आपको उसके लिए विजन देगा। इस साल परमेश्वर जो सारी बातें जो आपके मन में टूटी है, आप विजन रखो और परमेश्वर फिर से उस दीवार को बनाने के लिए वो शक्तिशाली है। वो आपका रिश्ता हो,
आपकी बातचीत हो, आपका स्वभाव हो, आपका चरित्र हो, आपका रवैया हो, आप किस तरह से बातें करते, किस तरह से रहते हैं, ये सारी बातें फिर से ठीक हो सकती है, फिर से बन सकती है। सिर्फ आपको क्या करना है, विजन रखना है। और ये आपका, ये सारी बातें परमेश्वर के सामर्थ्यशाली नाम यीशु मसीह के नाम से हो सकती है, ये विश्वास करो। जहाँ पर शत्रु आपको तोड़ता है तो परमेश्वर वहाँ पे आपको मदद करता है, और जब भी आप टूटते हैं वहाँ पर परमेश्वर आपको बनाता है, और वो जो बनाता है उससे आप और सामर्थी हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के नहमाया, परमेश्वर ने नहमाया का इस्तेमाल किया तो ऐसा सोच कर नहीं कि ये परमेश्वर, ये नहमाया एक अद्भुत आदमी था, या परमेश्वर ने उसको दर्शन ही दिया था सामने आकर, ये भविष्यवक्ता था, या टीवी पे, जैसे आजकल टीवी पे जो लोग आते हैं ऐसा वैसा, ऐसा नहीं था। वो एक साधारण सा व्यक्ति था, उसका दिनचर्या था कि वो सुबह उठता था, प्रार्थना करके अपना जो भी दिन क्रम है करके नौकरी जाता था, नौकरी से आके नहा धो के खाना खा के फिर से बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, सोना है, इस तरह से साधारण सा उसका जीवन था। और साधारण से आदमी को ही परमेश्वर चुनता है और उसको उसके जीवन में जब विजन रखता है, ऐसे ही आदमी का परमेश्वर इस्तेमाल करता है। वो हमारे द्वारा उसका राज्य धरती पर लाना चाहता है, इसलिए विजन रखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके आपके विजन में की दीवारें बनाएगा तो फिर से बनाएगा, पर अगर आप चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ। देखो, एक आपको बात बताए कि परमेश्वर किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती नहीं कहता है। अगर आप चाहते हैं तो ही वो दीवारें फिर से बना सकता है आपके विजन के लिए। आप, वो आपके आपका इस्तेमाल करेगा, आपका ही इस्तेमाल करेगा, बाजू वाले का इस्तेमाल नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मेरा ये काम है, मैंने उसको बोला है, वो करेगा, फिर मैं देखता है। नहीं, आपके विजन के लिए आपको ही जिम्मेदार है, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा फिर से वो दीवारें बनाना चाहता है आपके जीवन की। ये हमारा जीवन में आज जो विजन के बारे में बता रहे हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले दिनों में सब कुछ अलग तरीके से होने वाला है। ये महामारी के बाद, हाँ, ये रिसेशन के बाद सब कुछ अलग तरीके से होना है। तो इसलिए जो मसीह के लोग हैं उनको एक स्वर्गीय विजन होना बहुत ज़रूरी है। आमीन, बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ ये आने वाले दिनों में नौकरी का, काम का, बिजनेस का, आपके एजुकेशन का, कुछ भी हो, आपके पास एक स्वर्गीय विजन है तो आप सही रास्ते पे जा सकते हैं। मालूम है, सही रास्ते पे जा सकते हैं। आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या खाएगा, क्या पहनेगा और मैं कैसा रहेगा। अगर आप स्वर्गीय विजन के साथ चलते हैं तो आपको आने वाले दिनों में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में इस चिंता से लोग अपने आप को मार रहे, खुद की आत्महत्या कर रहे, फैमिली की आत्महत्या हो रही है, बहुत सारे लोग दिमाग से पागल हो रहे घर में रह के कि क्या करेंगे, यहाँ वहाँ भाग रहे। लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु है, और अगर हम उसके राज्य में एक स्वर्गीय विजन रखते हैं तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। आपकी टूटी हुई दीवारों को पहचानना सीखो। सबसे ज़रूरी बात है, अब विजन रखने के बाद आपको लिखना है कि मुझे मेरी दीवार कहाँ पे टूटी है, मेरी गाड़ी कहाँ पे रुकी है, कई सालों से मेरे जीवन में क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये आपको ढूंढना है, आपको लिखना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। और आपकी टूटी हुई दीवारों को पहचानना सीखो, या उसे ढूंढो, उसको बोलो, काम करना सीखो, आलसी मत बनो। कुछ भी हो, आपके लक्ष्य के साथ
लक्ष्य को पकड़े रहिए। आमीन। आपको पता है कि नहमाया के लिए वो लोग क्यों कंप्लेन करते थे? अगर नहमाया पूरा पढ़ेंगे तो वो अच्छा काम करने के बाद भी लोग उसके बारे में कंप्लेन कर रहे थे, हाँ, उसके बारे में बता रहे थे कि ऐसा है, क्योंकि वो लोग ने ऐसा सोचा था। क्यों कंप्लेन कर रहे थे? क्योंकि उनको लगा कि ये नहमाया ने किया, ये हमने नहीं किया। इसलिए उनके अंदर क्या था? जलस था, इसलिए वो लोग कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि उनको अभी लग रहा था कि इसने किया, हम क्यों नहीं, हमने क्यों नहीं किया, इसलिए कंप्लेन कर रहे थे। तो हमारे साथ भी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर के दर्शन के साथ, विजन के साथ, लक्ष्य के साथ जुड़े रहिए। ज़्यादातर गैर जिम्मेदार व्यक्ति कंप्लेन करता है। अब ये जो नहमाया के विरुद्ध कंप्लेन किया, तो कंप्लेन कौन करता है? गैर जिम्मेदार, जो काम नहीं करता है वो कंप्लेन करता है, क्योंकि वो लोग जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, वो सिर्फ कंप्लेन करना ही जानते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो दूसरों ने भी नहीं किया चाहिए। मैं इसके उनके हृदय में इस तरह से फीलिंग्स होती है और ना कोशिश करने की चाहत होती है। उनके लिए आसान होता है, इजी रास्ता क्या है? कंप्लेन करना। हाँ, ये तूने किया है कि क्या है, ये देख कैसा किया, ये देख कैसा किया, क्योंकि वो लोग आलसी होते हैं। कंप्लेन करने का आसान तरीका है, लेकिन अच्छी तरह से बोलकर, अरे ये ऐसा हुआ, चल मैं तेरे साथ आता है, हम लोग मिलकर ये ऐसा करते नहीं, लेकिन आलसी लोग कंप्लेन करते रहते। पर मुझे आपको बताना है कि आपके विजन के लिए कितने असमर्थ है। और दूसरी बात है कि ये है कि हमें विजन रखना है। दूसरा है कि आपको ये सोचना है कि मेरा विजन परमेश्वर ने दिया है, तो आप उस विजन के लिए कितने समर्थ है, कितने स्मार्ट है, कितने असमर्थ है, ये आपको नहीं सोचना है। आप या आपके विजन के लिए आप कितने ताकतवान हैं, विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य होना ज़रूरी है। देखो, आपका विजन जो आपको परमेश्वर ने दिया है, यह उसके विश्वास योग्यता से आपको परमेश्वर ने दिया है। वो आपके योग्यता से, आपके सामर्थ्य से जुड़ा नहीं है, वो परमेश्वर ने आपको दिया है, इसके लिए वो है। आपको पता है, डेविड भी एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और उसने असाधारण काम किए हैं। उसी तरह से आपके विजन के साथ आप क्या कर सकते हैं या आप क्या नहीं कर सकते, आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, आप किससे और इससे आपका विजन जुड़ा नहीं है, आप परमेश्वर ने आपको विजन दिया है, ये महत्वपूर्ण है। आपकी बुलाहट क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आपका लोकेशन क्या है, आपका मोबाइल का GPS क्या आपको लोकेशन देता है, इससे आपका विजन जुड़ा हुआ नहीं है, आपकी बुलाहट के ऊपर आपका विजन जुड़ा है, और ये परमेश्वर का बुलाहट है। हाँ, आप कितने, आपके पास कितनी क्षमता है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपका सरनेम क्या है, आप कौन से परिवार से आते हैं, आप गरीब है, अमीर है, आप नौकर है या बॉस है, इससे आपका विजन जुड़ा हुआ नहीं है। आपका विजन आपके बुलाहट के ऊपर जुड़ा है। उस परमेश्वर ने आपको और मुझे विजन दिया है, इसलिए आज हम यहाँ पर है। आमीन। उसके चरणों में बैठना है और हमें मांगना है आपके विजन के लिए। हाँ, आप अपने कंपनी में, आपके फैमिली में, आप जहाँ पढ़ रहे वहाँ पे काम का प्लेस में, काम देखने के अलावा या शिकायत करने के अलावा, काम को नज़रअंदाज करने के अलावा, आप आपके विजन के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, आपका जो विजन होता है, स्वर्गीय विजन, उसके बारे में सोचने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप जहाँ पे जॉब भी करते हैं वहाँ पे आप थिंकिंग कर सकते हैं, सोचते रह सकते हैं। दूसरी बात है, नहमाया को लोगों ने इग्नोर भी किया था कि इसको अगर इग्नोर करेंगे, उसको धुटकारेंगे, तो ये फिर से चला जाएगा। यह एक रास्ता है, जैसे पहले आ गया कि कंप्लेन करना, यह एक रास्ता है कि इग्नोर करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने बर्ताव में गैर जिम्मेदार होते हैं,
काम में गैर जिम्मेदार होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से, जो आरामदायी जीवन है उसमें से निकलना नहीं चाहते हैं, इग्नोर करते वो। ऐसे लोगों ने नहमाया को भी किया था कि वो फिर से जाए वहाँ से, मुश्किल उसको लगे और वो फिर से जाए। लेकिन आपको आपके विजन के साथ इस तरह जुड़े रहना चाहिए, भले आपको किसी ने इग्नोर भी किया, धुटकारा भी, तो लेकिन आपका विजन का जो फोर्स है वो आपको वहाँ से बाहर खींच लाएगा। आमीन। दूसरी बात है कि वहाँ पर निंदा करने वाले लोग भी होंगे आपके विजन के साथ, आपको पीछे खींचने के लिए। क्या वो बोलेंगे, क्या वो टूटी हुई दीवार है, वो इसलिए कि हमें टूटी हुई दीवार है, हमने पाप किया, हमारे पूर्वजों ने पाप किया था, क्या वो अभी कुछ नहीं होगा, हमारा नसीब ऐसा ही है वैसा ही है, ऐसे कोई बात ऐसे निंदा करने में प्रोफेशनल होते हैं, वो भी हमें पीछे खींच सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच में भी अगर हम हमारे विजन के बारे में बताते तो हम हमारे विश्वास में नीचे गिर कर पीछे जा सकते हैं। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरे से नहीं होगा, ये माहौल ऐसा है, मुझे कुछ आता नहीं, ये ऐसा ऐसा जब भी बोलते हैं तो आपके पास शैतान को आने की ज़रूरत नहीं, आप अपने शैतान ने आकर तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप पे ऑलरेडी आपको खुद को मार रहे हैं ऐसी बातें बोल कर। आमीन। और ये बहुत डेंजर और गंभीर बात है कि आप अपने सोच में खुद को ही गिरा रहे, तो आपको सोच में सुधरने की कोशिश करनी है। आमीन। आपके विजन को पकड़े रहिए, जुड़े रहिए, उससे कनेक्ट रहिए। इस तरह से बात नहीं करनी है जो हमेशा करते, जब भी फ्रेंड्स मिलते, क्या हो ऐसा था, जाने दे रहे, ऐसा ही होता है। नहीं, आपको आपके विजन के साथ कनेक्ट रहना है, परमेश्वर को दिशा मांगनी है और उस दिशा में, परमेश्वर के डायरेक्शन में आपको चलना है। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यह आप सबको पता है, लेकिन आपको वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और आपको और एक बात, जैसे कंप्लेन करना हुआ, इग्नोर करना हुआ और निंदा करना हुआ, उसी तरह है कि प्रेशर, आपके विजन के ऊपर किसी ने भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप प्रेशर कुकर नहीं है। प्रेशर डालने से देखो, सारा ने अब्राहम के ऊपर प्रेशर डाला और इस्माइल पैदा हुआ इसाक के जगह पे, और वो सारा राष्ट्र आज सारे दुनिया को परेशान कर रहा है। इसलिए किसी के भी दबाव में नहीं आना है, आपको आपके विजन के साथ जुड़े रहना है। परमेश्वर ने तुम्हें प्रेशर कुकर नहीं बनाया है, आपको परमेश्वर ने, आप परमेश्वर के मंदिर हो और उस मंदिर को आपको संभाल कर रहना है और दूसरों को भी संभाल कर रहना है। आमीन। आप अपने मन में, विचार में, सोच में ढूंढो कि आप किसके दबाव में आते हैं, ये भी लिखो आपके विजन के प्लानिंग में। आप ढूंढो कौन मुझे किसी बात से नीचे गिरा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझ पे प्रेशर कर रहा है कि ये नहीं करो, ये कर, ये आसान है, तो आपको ढूंढना है और आपको प्रार्थना करनी है वो। हमें इस दबाव से आपके विजन के बाहर, आप विजन से बाहर भी जा सकते हैं दबाव से। इसलिए कभी भी किसी के दबाव में नहीं आना है, परमेश्वर के पास जाना है। हमें और हमें उस क्रॉस पर हमेशा देखना है। अभी हम आते हैं इस विजन के महत्वपूर्ण भाग के पास आते हैं, वो है प्रार्थना। अगर हम हमारे विजन के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं तो बार बार और लगातार लवलीन होकर प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से हमारा विजन डेवलप होता है, विकसित होता है, वो सही तरीके से प्रगति करता है, हमारा विषय प्रगति करता है और वो पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है प्रार्थना करने से। उसमें हमारे व्यक्तिगत लालसा या व्यक्तिगत वासना उसमें नहीं होती है, व्यक्तिगत इच्छा उसमें नहीं होती है, व्यक्तिगत हमारा खुद का अभिमान, हमारा गुस्सा, हमारा
हमारी अभिलाषा, हमारी चाहत, इन सारी बातों से बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें हमारे विजन के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना से इन सारी बातों से हम बचते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने से क्या होता है, हमारे विजन के लिए प्रार्थना करने से हम इन सारी बातों से हटकर हमारा विजन परमेश्वर की इच्छा के इच्छा में विकसित होता जाता है। आमेन। इसलिए हमें हमारे विजन के लिए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के वास्तविकता को वास्तविकता में बढ़ना है और उसमें चलना है। अगर आप आपके विजन के लिए प्रार्थना नहीं करते और आप अपनी शारीरिक तरीके से आपके विजन के बारे में सोचते हैं, अपने स्वभाव में आपके विजन के बारे में योजना बनाते हैं, अपने विचार में योजना बनाते हैं, तो आप आशीर्वादित नहीं होंगे, आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए हमें हमारे विजन के लिए प्रार्थना करनी ज़रूरी है। प्रार्थना करने से हमारा विजन परमेश्वर के मार्गदर्शन के साथ चलेगा। अब विजन को लेकर प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करना है, खोजना है। वो आपको सिर्फ प्लान ही नहीं देगा, वो योजना देगा, वो आपको क्षमता देगा आपके विजन में चलने के लिए, और आपके हृदय को शुद्ध रखेगा, और सबसे ज़रूरी बात, आपके हृदय में वो शांति देगा आपके हृदय आपके लक्ष्य के साथ चलने के लिए। क्योंकि लक्ष्य के साथ चलने के लिए, और वो भी स्वर्गीय विजन परमेश्वर के राज्य के लिए, जब भी हम विजन रखते हैं तो परेशानी यह होती है, और वहाँ पर शांति होना बहुत ज़रूरी होती है, और शांति हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से मिलेगी। हमारा हृदय शुद्ध रहेगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारा धाड़स बढ़ेगा। राजा अपने साथ है, जीवित राजा, भले ही उस समय परिस्थिति कठिन होगी, लेकिन परमेश्वर उसमें भी आपको शांति देगा, आनंदित रखेगा और आपको उस विजन में चलाएगा। आमेन। जिस परमेश्वर ने तुम्हें विजन दिया है, वो आपको विजन पूरा करने के लिए आपके साथ भी रहेगा। आमेन। अब हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारी आँखों को बंद कर हम प्रार्थना करते हैं। सब जरूरी है प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आपका विजन सच में ईश्वरीय विजन हो, स्वर्गीय विजन हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, यह हमारा विजन हमारे करियर पर, हमारे सक्सेस पर, हमारे काम पर, हमारे पैसों पर नहीं, विजन हमारे जीवन से अधिक उपयोगी है, अधिक से अधिक अर्थपूर्ण हो। हम हमारे विजन के लिए किसी की नकल नहीं करें, किसी की कॉपी नहीं करें। हमारा विजन सच में हम तेरे पास मांग कर उसके ऊपर चले, किसी दूसरे का विजन नहीं, मेरा विजन। मुझे परमेश्वर के पास से सुनने के लिए, मांगने के लिए मदद कर। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी विजन तू हमें देगा, उस पर बने रहने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसमें नम्र रहने के लिए हमें मदद कर। हमारे हृदयों को शुद्ध रख। उस विजन में चलते समय हम हमारे इस दुनिया की वैवाहिक जीवन की बातों को ना मिलाए, हम शुद्ध रहे, सच्चाई से चले, पवित्र रहे। और परमेश्वर, हमें उस विजन में एक्सलेंट पाने के लिए हमें चाहत दे यीशु। सिर्फ विजन है, जैसा है वैसा चलना नहीं, परमेश्वर हमें एक्सलेंट आना है, क्योंकि हमारे साथ जीवित परमेश्वर है यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इस समय के लिए। इन आने वाले दिनों में परमेश्वर, जैसे इस दुनिया में परमेश्वर बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, लेकिन तू हमें पहले तेरे स्वर्गीय विजन से तू हमें बना परमेश्वर, ताकर हम इस दुनिया में जाकर तारों की तरह चमकेंगे परमेश्वर।
क्योंकि तू हमारे साथ है यीशु। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करती हूँ। आमेन आमेन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित हो गए हैं। आमेन। प्रेरितों 26 और 19 में पौलुस जो है, जब वो रोम में होता है और उसके ऊपर बहुत सारे आरोप होते हैं, वो कहता है, आई वॉज नॉट डिसोबीडियंट टू द विजन फ्रॉम हेवन। मैं जो स्वर्ग से मुझे दर्शन मिला था, लक्ष्य मिला था, उसके प्रति अनाज्ञाकारी नहीं रहा। आमेन। और भाई और बहनों, कोई भी मनुष्य जो मसीह है, जिसने यीशु को जाना है, जो यीशु से प्रेम करता है, उसके राज्य से प्रेम करता है, ये नहीं कह सकता कि मेरा कोई दर्शन नहीं है, मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है। दर्शन परमेश्वर देता है। और मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपके पास भी दर्शन है, और उस दर्शन के साथ विश्वास योग्य रहिए। छोटा हो बड़ा हो, उस दर्शन के साथ विश्वास योग्य रहे, ताकि प्रभु आपको जो दर्शन दिया है वो अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। आए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना सब मिलके करें। आवर फादर इन हेवन, होली बी योर नेम, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इन हेवन। गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, फॉरगिव अस आवर सिन एज वी फॉरगिव दोज हू सिन अगेंस्ट अस, लीड अस नॉट इन टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन, फॉर योर्स इज द किंगडम, द पावर एंड द ग्लोरी, नाउ एंड फॉरएवर। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, उस दर्शन को पूरा करने के लिए हम सब के साथ पूरी जिंदगी भर रहे। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।